अल्लाह ताला ने फरमाया तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वरूहू फ़ीहा बीइज़नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, कि उसमें हर काम के सरंजाम देने को अपने रब के हुक्म से फरिश्ते और रूह यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरते हैं। रूह से मुराद यहाँ पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने उमूमी फ़रिश्तों के साथ हज़रत जिब्रील का अलग से ज़िक्र किया, उनकी अहमियत को बताने के लिए, उनकी फ़ज़ीलत को बताने के लिए और इस बात को बताने के लिए कि इस रात में वो फ़रिश्ता नाजिल होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस वक्त नाजिल हुआ करता था जब अंबिया इकराम पर वही नाजिल होती थी। यानी ये वो फ़रिश्ता है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अंबिया पर वही लाने के लिए उतरता था, लिहाजा वो इस रात में भी उतरता है। तो आप इस रात की अहमियत को समझिए, इस रात की फ़ज़ीलत को समझिए। अल्लाह ताला ने कहा तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीह, कि उसमें अल्लाह ताला फ़रिश्तों को भी नाजिल करता है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी नाजिल करता है और इस रात में ज़मीन पे उतरते हैं उन कामों को सरंजाम देने के लिए जिनका फ़ैसला अल्लाह ताला ने उस साल में फ़रमाया है। यानी अल्लाह ताला ने उस साल में जितने फ़ैसले फ़रमाया है उसको नाफ़ीज़ करने के लिए, उसको सरंजाम देने के लिए हज़रत जिब्रील और फ़रिश्ते जो है आसमान से नुज़ूल फ़रमाते हैं, आसमान से नाजिल होते हैं। लिहाजा मुझे और आपको इस रात की अहमियत को समझना चाहिए, इसकी फ़ज़ीलत को समझना चाहिए और इसमें ख़ूब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतें मुझे और आपको करनी चाहिए।